अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? बहुत दिन से बात नहीं हुई सही से यार, ऐसे चल रहा था मामला। मैंने बोला यार चलो ठंडे हो जाए फिर बात करेंगे। खैर, तो जो आज का टॉपिक है वो है बॉब्जी द किंग, समझ तो आप गए होंगे। खैर देखें, बाबर आजम की यार जाहिर है कि गलतियां हैं, मैनेजमेंट की भी गलतियां हैं। अच्छा, कुछ गलतियां जो हैं वो हमारी भी हैं, यानी कि मिस्टेक्स वो आवाम की भी हैं। दरअसल हुआ ऐसा कि पाकिस्तान में कोई प्लेयर्स नहीं आ रहे थे, इंजमाम चले गए, कोई अल्लाह आपका भला करे मोहम्मद यूसुफ चले गए, उसके बाद मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक, शदीद इनकंसिस्टेंट प्लेयर्स थे। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आजकल, लेकिन इनका दौर उठा के देख लें तो इनसे ज़्यादा कोई इनकंसिस्टेंट था ही नहीं। भले वो मोहम्मद हफीज़ हों, भले वो ये हों, शुएब मलिक हों, और दूसरे जितने यहाँ पर खड़े हुए हैं बैठे हुए ऊपर नीचे, इमाद वसीम भी आजकल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हालांकि ख़ुद ये सिर्फ T20 के प्लेयर थे, वनडे में तो खास इनकी परफॉर्मेंसेज ही नहीं थी, ऐसे ही बस चल रहा मामला। इवन T20 में भी इनको छुपा के रखा होता था आखिर वक्तों में, जो आखिरी मैचेज हैं अगर आप देखें तो इंडिया ख़िलाफ़, अगर आपको याद हो चैम्पियंस ट्रॉफी में जो पहला मैच हम लोग जो है हारे थे, उसमें भी इनको खूब धुनाई लगी थी। इनको जगह जगह छुपा दिया जाता था कि यार इनको छुपाओ, इनको छुपने की जगह नहीं मिलती थी। तो खैर ये ख़ुद भी इनकंसिस्टेंट थे। बाकी मोहम्मद आमिर की क्या बात करें आप, तो खैर हम बात करते हैं बॉब्जी द किंग की। तो हुआ कुछ यूँ कि हमें प्लेयर्स नहीं मिल रहे थे बहुत अरसे से, तो खींच खाच के ये प्लेयर जो कि एक बड़े सिस्टम से आया है, इसको मैं अंडर 19 से फॉलो कर रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है नो डाउट बाबर आजम। तो जैसे ही ये क्लिक कर गया, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 सेंचुरियाँ कर दी, अच्छे खासे रन करने लगा मिडल ऑर्डर में, वन डाउन पर और नीचे, खासतौर पर वन डाउन में, तो हम लोगों ने इसको सर पर चढ़ा लिया। जो बात है देखिए, अपनी गलती में माननी चाहिए, इसमें हम सब इन्वॉल्व हैं, मैं खुद इन्वॉल्व हूँ। बाबर आजम हमने हवा बना दिया, और विराट कोहली की टक्कर का प्लेयर है, और जो विराट कोहली इंडिया के लिए कर चुका है वो मैं एक्सपेक्ट करता था, हम सब एक्सपेक्ट करते थे कि यार बाबर आजम करेगा, बड़ा पोटेंशियल है। तो और मैनेजमेंट, हमारे पास ये मसला है कि यार मैनेजमेंट जो है ना वो अपने आप को मैनेजमेंट नहीं समझती। प्लेयर इज़ डिफरेंट, मैनेजमेंट इज़ डिफरेंट। जहाँ पे प्लेयर का पलड़ा भारी हो गया, यानी कि प्लेयर हावी हो गया मैनेजमेंट के ऊपर, वहाँ तो मामला ख़राब हो गया, क्योंकि प्लेयर का एक लिमिटेड विजन है। लेकिन जो आपकी होती है मैनेजमेंट, तो जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का विजन बहुत ज़्यादा होता है, आगे तक होता है, वो टूर्नामेंट्स देख रही होती है, वो ईयर्स देख रही होती है। प्लेयर्स का एक लिमिटेड विजन है, उसकी एज भी कम होती है, उस वक्त बाबर आजम की एज 11-21 अपना 22-23 साल थी, अब मेरे 28 के करीब हो गई। तो इनको बना दिया गया कैप्टन, इनको दे दी गई अथॉरिटी, और ऑब्वियसली जो पूरी टीम थी वो ज़्यादातर एज ग्रुप वही था। इन्होंने शुएब मलिक को साइड पे किया, हफीज़ को साइड पे किया जो कि सीनियर थे, इमाद वसीम कंपेरेटिवली सीनियर थे, मोहम्मद आमिर कंपेरेटिवली सीनियर थे, इन लोगों को इन्होंने लगाया मत्थे साइड पे बिल्कुल, और सारी फ्रेंड्स 11 आ गए। अच्छा लड़के हैं, ऐसा नहीं है कि बुरे लड़के नहीं, लेकिन जब आप परफॉर्मेंस के सामने फ्रेंडशिप को ले आते हो, परफॉर्मेंस को फोकियत नहीं देते, प्रायोरिटी परफॉर्मेंस को नहीं देते, तो ये मसले मसाइल होते हैं। तो भाई बाबर आजम बन गए किंग, बॉब्जी द किंग, बॉब्जी करके देगा, किंग करके देगा, सुन लिया होगा आपने। तो हसन अली के साथ इन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया, हर जगह जगह ले जाके खिलाया, ये हसन अली के साथ ज्यादती की इन्होंने। इसी तरह हर वो प्लेयर, जैसे शादाब है, जैसे फ़खर जमान है, जैसे दूसरे प्लेयर हैं, हर वो प्लेयर जो आउट ऑफ फॉर्म है, अगर उसको आप बार बार खिलाते हैं और वो नहीं परफॉर्म कर पाता, तो ना ये प्लेयर का कसूर नहीं है, ये मैनेजमेंट का और कैप्टन का कसूर है, यानी कि बाबर आजम का और बैकहेंड पे जो मैनेजमेंट है। तो बाबर आजम थोड़ा बहुत हर जगह खेल लेते थे, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खेल रहे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ भी खेल रहे हैं, अच्छी टीमों के खिलाफ भी खेलते थे, सारे अच्छे प्लेयर हैं। तो बाबर आजम को हमने चढ़ा लिया सर पे, और फिर ये जब सर पे चढ़ गए तो ये सारे डिसीजन खुद देते रहे, सारे डिसीजन खुद दे रहे हैं, नहीं भाई मुझे तो हसन अली चाहिए, नहीं भाई मुझे तो शादाब खान चाहिए, अच्छे अच्छे स्पिनर पीछे पड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे पेसर्स पीछे पड़े हुए हैं। अब आप देखें वसीम जूनियर, जिसको हम लोग इतना डिग्रेड करते थे, मैं आप सब हम सब, एक आध मैच बीच में मिलता था और वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाता था, लेकिन वर्ल्ड कप में जितने मैच मिले ये हमारा खोटा सिक्का चल गया, इसकी वजह से ही आप थोड़े बहुत इज्जत आपकी रह गई, वरना बहुत बुरी हालत होती थी। जो आप न्यूजीलैंड के खिलाफ थोड़े बहुत रन बच गए, उससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसने परफॉर्म किया, तो इसको मुस्तकिल चांस नहीं मिल रहा था। अब्दुल्ला शफीक को एक आध टूर में रखा इन्होंने, उसमें चांस नहीं मिला, यहाँ आके खेला है वो अच्छा खेल गया, इसी तरह और जगह भी। तो ये कैप्टन की और मैनेजमेंट की
मिली जुली जो ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ख़ासतौर पर मैनेजमेंट की, कि टीम को किस तरह लेके चलना है। आपने सब कैप्टन को ज़िम्मेदार कर दिया, उसके उसको इतनी अथॉरिटी दे दी कि वो विजन है ही नहीं कैप्टन का। बाबर आजम का क्या विजन था, उसने जितना उसका लिमिटेड विजन था उसने उस हिसाब से प्रिपरेशन की, जो कि ज़ाहिर है प्रिपरेशन नहीं की पिछले, आप समझें कि आप कुछ नहीं तो 2 से 3 डेब्यूटेंट हैं आपके। वर्ल्ड कप में कोई डेब्यू कराता है आके? कौन सी टीम है जो डेब्यू कराती है? आपको 2-3 साल तो प्रिपरेशन में लगते हैं। तो बॉब्जी द किंग भाई यही चलता रहेगा आगे भी, ना पहले हम सीखें, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड वी विल नॉट बी प्रिपेयर्ड, जो बात है हम हमेशा ऐसे चलते रहेंगे। पॉलिटिक्स, सियासत, फ्रेंडशिप ऐसी रहेगी। चिल करो, नाव दो और सो जाओ चिल करके, टेंशन नहीं लो। बॉब्जी द किंग इसी तरह चलता रहेगा भाई मामला।